और अभी खबर ये हमें मिल रही है कि सीएम हाउस में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा इस बैठक को ले रही थी, मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक चल रही थी, लेकिन अभी ये सूचना मिली है कि बैठक खत्म हो गई है। प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी। तो बड़ी खबर है, इस बीच बैठक अभी खत्म हुई है। 3 घंटे से लंबी यह बैठक चली है और इस बैठक में कांग्रेस के कोर ग्रुप के सभी लोग मौजूद थे और बैठक अभी खत्म हुई है। कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी सीएम हाउस में। स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। स्टार, अभी सूचना यह मिल रही है, आप ही ने बताया कि बैठक खत्म हुई है, क्या जो लोग थे कैबिनेट मिनिस्टर थे वो एक एक करके निकलना शुरू हो गए, क्या खबर है वहां से? देखिए, जो कुमारी सैलजा जो बैठक ले रही थी कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स की, वो बैठक समाप्त हो गई है। लगभग तीन घंटे ये बैठक चली है। आपको बता दूं कि कुमारी सैलजा का ये बेहद गोपनीय दौरा था और दौरा जैसे ही रायपुर आए उसके बाद मीटिंग उन्होंने कॉल की, 12 बजे का टाइम लगभग दिया और इस वक्त लगभग 3 बज रहे हैं। मान के चलिए लगभग 3 घंटे ये बैठक चली है जिसमें कांग्रेस की तरफ से तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स मौजूद थे जो सीनियर लेवल पे हैं। और इसके अलावा बात करें तो चरण दास मन जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम वो शामिल थे यहाँ। तो बेहद गोपनीय बैठक हुई, हालांकि बैठक के बाद सब निकल चुके सीएम हाउस से, लेकिन किस एजेंडे को लेकर बैठक हुई है और बैठक में क्या चर्चा हुई है ये अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। चेहरों की बात करें तो सब ने यहाँ पे मुस्कुराते हुए निकले हैं, किसी के भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं नजर नहीं आई।